वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मोटर बुल का एक और वीडियो। सो भाई कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज बात करते हैं भाई, क्या आप कोई कार ओन करते हो? या भाई आप बाइक तो जरूर ओन करते होंगे, किसी ना किसी प्रकार का व्हीकल आपके घर पे जरूर होगा भाई। या आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो, आप कोई कार घर लाने वाले हो, तो भाई सबसे पहले रुकिए और ये वीडियो देखिए। भाई आप लोग जब भी कोई नई कार प्लान करते हो या आप किसी गाड़ी के मालिक हैं, आप कोई कार ओन करते हो, सबसे पहले भाई आप लोगों के माइंड में एक बात जरूर रहती है। वो रहती है कि जब भी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकलता हूँ तो भाई मेरी कार मुझे क्या माइलेज देती है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है कि मेरी कार मुझे क्या माइलेज देती है। और मैं आप लोगों को बताऊं, इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के रीजंस होते हैं कि भाई वो अपनी फ्यूल इकोनॉमी को जरूर देखते हैं कि भाई हम लोग कितना अपने फ्यूल पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मंथली, क्या कुछ रहता है। पहले बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग फ्यूल के बारे में जान सकते हैं कि आपकी कार कितना फ्यूल बर्न करती है, क्यों करती है, क्या रीजंस होते हैं, और एक अच्छी एवरेज के लिए आप लोग क्या कुछ बातें कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात होती है, इंडिया में ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है कि भाई कितना देती है। और मैक्सिमम लोग होते हैं कि अपनी एक तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज वो लोग ज़्यादा फ्यूल अपनी कार से नहीं खर्च करवाना चाहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट घर ले आते हैं जो फ्यूल बहुत कम बर्न करते हैं, उनकी पॉकेट पे वो भारी नहीं पड़ता है। क्या आप लोग भी उनमें से एक हैं? मैं तो हूँ यार उनमें से एक, इसीलिए मैं बलिनो ओन करता हूँ। सो भाई बेसिकली पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप कार लेने जाते हो तो बिल्कुल आप एक ऐसी गाड़ी ज़रूर देखिए जो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ रही है, राइट? उसका रीज़न होता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, अगर तो भाई आपको कोई हार्ड इन कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक तरीके से पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई आप अपनी शौक के हिसाब से, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से, भाई अपना जो एक तरीके से आपको जो भी बाय करना मार्केट से पसंद जो आ रहा है आप खरीद सकते हो ब्लाइंडली। लेकिन क्या करोगे आप जब आपको एक कार की नीड है, आपको गाड़ी भी रखनी है, आप उसमें फ्यूल भी ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको रोज़ तेल पिला सकें, तो उस कंडीशन में आप लोग ऐसी गाड़ी की तलाश करते हैं जो आप लोगों कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप गाड़ी ले आए हैं, आप ऑलरेडी कोई कार ओन करते हैं, उसके बाद आप अपनी गाड़ी के MID में देखते हो कि मुझे एवरेज नहीं दे रही है, तो भाई आज 8 ऐसे पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में जो आप लोगों के एवरेज को इंक्रीज करते हैं। क्या गलतियां करते हो आप अपनी ड्राइविंग करते हुए जिससे आपका एवरेज बिलो होता चला जाता है, आपका फ्यूल ज्यादा बर्न करती है आपकी कार? 1 लीटर पेट्रोल में जो आप एक्सपेक्ट करते हो एवरेज, वो आपकी गाड़ी आपको माइलेज प्रोवाइड नहीं करती है। अगर भाई बेसिक लैंग्वेज में माइलेज को समझते हैं तो भाई वो होता है कि आपकी कार 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर रन करती है। तो आप लोगों ने वो 8 बातें नोट करनी है कि आप क्या याद रखोगे, तो भाई कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक करके सारी चीज़ें नोट कीजिए कि कैसे मैं अपनी गाड़ी से एवरेज अच्छा निकालूंगा। काम की वीडियो रहने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, एंड लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, वो है भाई 8 रीजन मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं आपके एक तरीके से एवरेज को, आपके माइलेज को इंक्रीज करने के, उस बेटर माइलेज आपकी कार से निकालने के लिए मैं 8 रीजन बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहला रीजन होता है, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे, आपकी ड्राइविंग टेक्निक, आप किस तरीके से ड्राइव करते हैं, कौन सा तरीका है आपका ड्राइव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है भाई, जब भी वो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो हाई गियर से अपनी कार को उठाना स्टार्ट करते हैं,
कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी कार सेकंड में डाल के अपनी गाड़ी को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अगेन मैं इस बात को बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आप लोग जैसे ही थोड़े से बड़े गियर पे अपनी कार को शिफ्ट करके उठाते हो, पहले से दूसरे पे उठाते हो, अगर यदि आप पहले गियर पे नहीं उठाते हो दूसरे पे उठाते हो, तो वहीं एक्सेलरेशन करना आपको बहुत ज्यादा पड़ जाता है, आरपीएम बहुत हाई आपका चला जाता है, फ्यूल बर्न होता है। कुछ लोग भाई क्या करते हैं, अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर पे ही उठाते हैं, बिल्कुल सही उठाते हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले गियर में ही 3000 आरपीएम क्रॉस करवा देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अपनी कार जब भी आप ड्राइव करो तो हर गियर को अपशिफ्ट करने के लिए आप लोग 1800 से 2000 आरपीएम पे गियर चेंज करें, गियर को टाइमली चेंज करें। जब भी आपकी कार गियर की रिक्वायरमेंट कर रही है आपसे, बार बार कह रही है कि मुझे अपशिफ्ट करो, मुझे डाउनशिफ्ट करो, उस वक्त आप अपनी गाड़ी में प्रॉपर गियरिंग करोगे। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन आप लोगों का रहता है, आप लोग जब भी अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो तो उस वक्त आप क्या करते हो, आप बड़े गियर पे चल रहे हो, फिफ्थ गियर पे चल रहे हो, फोर्थ गियर पे चल रहे हो, किसी भी गियर पे चल रहे हो, आप क्या करते हो, चलते चलते आपकी एक हैबिट हो जाती है ड्राइव करते करते कि आप एक्सीलेटर को दबा के ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हो। और अननेसेसरी क्या करते हो, जब भी कहीं पे छोटी मोटी आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड कम करनी पड़ जाती है, ब्रेकिंग का यूज करते हो। ये बहुत गलत बात है, आपका एवरेज ड्रॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आप लोगों की, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट अगर रीजन की बात करते हैं, वो क्या रहने वाला है, कभी भी आप अपनी गाड़ी को अननेसेसरी एक्सेलरेट ना करें। एक्सेलरेशन जब भी आपकी कार में होता है, आपकी इंजन साउंड करता है, ज्यादा क्वांटिटी में आपका फ्यूल खर्च होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो रहने वाला आपका एक्स्ट्रा हार्ड ब्रेकिंग। कुछ भाई क्या करते हैं, जब भी वो कभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया अपना चलना स्टार्ट करते हैं, जब अपनी स्पीड एक मेंटेन कर लेते हैं लगभग 50-60 की स्पीड, अब क्या होता है आगे ट्रैफिक लग जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हो, आप चल रहे हो और थोड़े आगे ट्रैफिक है, वो लोग ट्रैफिक पर ही पहुंच करके ब्रेकिंग करना स्टार्ट करते हैं 50-60 की स्पीड में और अपनी स्पीड को डाउन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अननेसेसरी ब्रेक लगाने से आपने अपनी स्पीड तो कम कर ली, लेकिन जो आपके इंजन ने फ्यूल बर्न करके पावर बनाई थी वो पावर तो किसी काम की नहीं रह गई ना, वो आपने वहीं खत्म कर दी। सपोज कीजिए आपने अपनी कार को स्टार्ट करके अपने एक तरीके से चलना स्टार्ट किया और आप कुछ दूर तक चले गए, अच्छी खासी आपने कार में स्पीड और एक तरीके से आरपीएम मेंटेन कर लिया, उसके बाद ट्रैफिक सामने खड़ा हो गया, छोटा मोटा आप लोग गाड़ियां धीरे चल रही थी, कोई कार धीरे धीरे आगे लग रही है और आपने एकदम से अपनी गाड़ी में ब्रेकिंग इस्तेमाल कर दी उसी स्पीड पे, बहुत गलत बात है दोस्तों ये। इससे आप लोगों का एवरेज ड्रॉप होता है, आपका माइलेज ड्रॉप होता है, आपका फ्यूल खर्च होता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप लोग कभी आ जाते हो तो पहले ही प्लानिंग करके अपने गियर डाउन कीजिए, रेस से पैर हटाइए, अननेसेसरी ब्रेकिंग मत कीजिए, ये आप लोगों के माइलेज को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। थर्ड रीजन की बात करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों के लिए होने वाला है, वो है आपकी कार का एसी। आप लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, एक अच्छे कंफर्ट के लिए गाड़ियों में एसी होता है और आप एसी वाली कार लेने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी आप अपनी कार में एसी चलाते हो तो आपके माइलेज में डिफरेंशिएशन तो आता है। अब वो क्या डिफरेंशिएशन होता है, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अच्छी बात है। आप एक एसी वाली गाड़ी में बैठे हो तो भाई नॉर्मल सी बात है, बाहर अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर है तो आप एसी में ही घूमना पसंद करोगे, इसीलिए आपने ज्यादा पैसे दे के एक एसी वाली कार लिया। लेकिन एसी चलाने का सही तरीका क्या होता है ताकि आप लोगों का कम से कम फ्यूल खर्च हो, तो भाई वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप जब भी अपनी गाड़ी में एसी चलाते हो तो कभी भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए अपनी कार में एसी ना चलाएं। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, अपनी कार आपने स्टार्ट कर दी है, आपने गियर लगा दिया है, आपने चलना स्टार्ट कर दिया है, अपने चारों सीसों को डाउन करें, पहले कम से कम 200 मीटर तक अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, जब तक आपकी गाड़ी में जो अगर धूप में आपकी कार खड़ी है तो आप लोग अपनी गाड़ी से जो एक तरीके से हॉट एयर होती है उसे बाहर निकलने दें। जब गाड़ी चलेगी तो एयर बाहर जाएगी, बाहर की एयर अंदर आएगी, ठीक है। इससे होगा क्या,
इससे ये होगा कि उसके बाद आप अपने शीशों को रोल्ड जब करोगे और एसी ऑन करोगे तो उससे आप लोगों के दो फायदे होंगे, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक तो आपकी कार में जो बहुत ज्यादा प्लास्टिक से गर्मी अंदर जो हो रखी थी, एक तरीके से अंदर का इन्वायरमेंट, अंदर का जो एटमोस्फेयर था वो बहुत ज्यादा हॉट हुआ था, आपकी सीटें बहुत ज्यादा हॉट हो रखी थी, आपके एक तरीके से जो भी गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको टच करते ही आपको फीलिंग आ रही थी कि यार बहुत ज्यादा ये तो बहुत हीट हो रखे हैं, बहुत गर्म हो रखे हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो डाउन करते हैं ऐसे करने से। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अपनी कार का जब एसी ऑन करोगे उसके बाद आपकी गाड़ी धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट कर देगी। एंड जो आप लोगों ने बहुत सही काम किया शुरू में ही एसी ना ऑन करके, वो क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी में कभी एसी करते हैं तो नोटिस किया होगा आपने कि आप लोगों को दुगना प्रेशर अपने एक्सेलेरेटर पे देना पड़ता है गाड़ी को पोजिशनिंग देने के लिए, गाड़ी को मूव करने के लिए, फर्स्ट गियर से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं आपका एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा आप लोगों से पावर मांगता है। उसकी रीजंस होते हैं क्योंकि आपकी कार में जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है, इंजन जो पावर बना रहा होता है वो कंप्रेशर भी यूज़ कर रहा होता है और आपका कहीं ना कहीं गियर बॉक्स भी यूज़ कर रहा होता है, आपकी जो एक तरीके से मैकेनिज्म है गाड़ी को आगे ले जाने का वो भी यूज़ कर रहा होता है और पावर डिवाइड हो जाती है। दैट्स द रीज़न कि जब भी आप अपने एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं तो आप लोगों को दुगना एक्सेलरेट करना पड़ता है अपनी कार को, अगर आप एसी में गाड़ी को ऑन करके शुरू में चलाना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी जब आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर लगा के आगे मूव करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप ये बात कि अपनी कार में एसी ऑन ना रखें उस वक्त। अपनी गाड़ी का एसी तभी ऑन करें जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो रहता है आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। जब भी आप कभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप लोग एक्सीलेट का यूज नहीं करोगे जब तक आप लोगों का हिल स्टार्ट नहीं होता है। अगर आप स्लोप पे हो, आप लोग एक तरीके से ऊपर को गाड़ी को चढ़ा रहे हो, ट्रैफिक है, सामने गाड़ी लगी हुई, पीछे गाड़ी लगी हुई, तो वहां आपको एक्सीलेशन करना पड़ सकता है। उस टाइम आप फ्यूल के बारे में ना सोचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप सीधी रोड पे चल रहे हो, मार्केट में चल रहे हो, सिटी ट्रैफिक में आप लोग फंसे हुए हो और वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, अपने फर्स्ट गियर एक तरीके से डाल के गाड़ी में, उसके बाद आप अपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने के साथ साथ आप एक्सेलेट भी कर रहे हो तो ये गलत चीज है ना। आपका एक्सेलेशन आपसे पावर ज्यादा बना के उससे ज्यादा खर्च करेगा, फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अपनी ड्राइविंग के टाइम पे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो रहने वाला आप लोगों का स्पीड एंड गियर आरपीएम। तो भाई स्पीड पे भी आप लोग कंट्रोल रखिएगा। स्पीड का मतलब होता है कि आप लोग जब अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हो तो भाई आप लोग एक स्पीड मेंटेन कीजिए अपनी कार में, एक आरपीएम मेंटेन कीजिए अपनी कार में, स्पीड आरपीएम। एंड नेक्स्ट पॉइंट था आप लोगों का गियर। एंड एक बेटर गियर में चलिए जो आपकी गाड़ी के लिए बेटर है, जिस सिचुएशन में आप चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, पता लग रहा है आप हिल पे कार चढ़ा रहे हो और आप गाड़ी में तीसरा गियर लगा रहे हो, जहां गाड़ी दूसरे गियर में चलने वाली वहां आप तीसरा गियर दे रहे हो। इससे दो चीजें का नुकसान होगा आप लोगों का, कहीं ना कहीं आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा, गियर बॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके फ्यूल पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप सीधी रोड पे चल रहे हो, आपको पांचवा गियर लगाना है, वहां आप दूसरे में ही गाड़ी को एक्सेलेरेट करे बैठे हो तो वहां पे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फ्यूल ज्यादा आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉइंट की तो रहने वाला आपका टायर प्रेशर। हाँ दोस्तों, टायर प्रेशर, आप लोग 15 दिन में या महीने में अपनी गाड़ी के टायर का प्रेशर जरूर चेक करवाएं। जो आप लोगों की कार में टायर के प्रेशर रखने का जो एक तरीके से, यहां पे आप लोग डोर देख रहे हैं, आप लोग अब डोर को जब आप खोलते हो इस तरीके से तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितने पॉइंट आप अपनी गाड़ी में टायर में हवा रखें, वो भी आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। आपकी कार कहीं ना कहीं अगर आप में होती है कम हवा, अगर आपके टायर में होती है तो उसकी जो एक तरीके से रोड से जो ग्रिपिंग है, रोड पे जो उसका वर्क है, वो मैकेनिज्म सही तरीके से वर्क नहीं होता है और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी ज़्यादा पावर लेना स्टार्ट करती है, रोड से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिल पाता है, पावर ज्यादा लगती है, फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर विंडो अप एंड डाउन। भाई ये क्या चीज है, विंडो अप एंड डाउन क्या है, ये कौन सी बला है,
तो मैं आप लोगों को बता दूं, विंडो अप एंड डाउन है, जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करें अपनी विंडो को अप करें अगर आप एक बेटर माइलेज चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, विंडो खोल के चल रहे हो, वहां पे होगा क्या, बहुत ज्यादा एयर आप लोगों के कार के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस स्पीड से आप लोग चल रहे थे और जो पावर आपकी कार में यूज हो रही थी गाड़ी को आगे पुश करने के लिए, वो पावर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी, क्योंकि आप लोगों की गाड़ी के अंदर एयर आ रही है और वो धक्का कहीं ना कहीं पीछे को भी लगाती है, ठीक है, उसका प्रेशर बैक में भी होता है। और अपनी गाड़ी से अगर आप बेटर एवरेज चाहते हैं तो एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है कि जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करें तो आप लोग एक स्पीड मेंटेन करें, ऑलवेज मैक्सिमम टाइम पे आप क्या करते हो, स्पीड मेंटेन तो करवा देते हो लेकिन बार बार गियर डाउन करते रहते हो, गियर अप करते रहते हो, गियर ना बदलें बार बार, ऐसी ड्राइविंग स्किल बनाते रहें धीरे धीरे। तो एक अच्छी ड्राइविंग करने की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो। और अच्छा ड्राइवर वही होता है जो गाड़ी को अच्छा चलाता है, गाड़ी के टाइम से गियर बदलता है और कार को चलाते हुए उसके फ्यूल पे भी ध्यान देता है। कुछ लोग होते हैं आरपीएम खींच के गाड़ी चला रहे हैं और कहते हैं मेरी गाड़ी एवरेज नहीं देती है, तो एक कार कभी एवरेज नहीं देगी अगर आप उसको अननेसेसरी बहुत ऊटपटांग हरकतों से ड्राइव करोगे। तो कैसी लगी आप सब लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल मोटरबुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे टाइप कीजिए मोटर्स बुल 2531। थैंक यू सो मच।